नमस्कार, मैं प्रिया। आज 12 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बालू खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। छठे चरण की मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारी। 16 नवंबर को बिहार सरकार कर रही है एक और विशेष अभियान की तैयारी। बिहार में अब नहीं होगी बिजली की किल्लत। बिहार में कोविड 19 के मिले 5 से कम मामले। अब चले बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बालू खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। बिहार में एनजीटी की तरफ से बालू खनन में रोक लगाने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिलाई है। बिहार सरकार ने इस मामले में एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी, जिसे लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य खनन विभाग के जरिए बालू निकालने की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी है। इससे अब राज्य में बालू की कमी नहीं होने वाली है। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि बालू खनन पर पूरी तरह से बैन लगाने से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान होता है। साथ ही अदालत ने कहा है कि बालू खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि बिहार के सभी जिलों में खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कवायद नए सिरे से की जाए। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नरसिंह राजपूत की। बिहार के कई युवाओं ने अब तक बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। इसी कड़ी में आज हम एक और युवक की बात करने वाले हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में बिहार का नाम ऊंचा करने का काम किया है। आज हम बात करेंगे नरसिंह राजपूत की। नरसिंह राजपूत का जन्म 22 जनवरी 1970 को बिहार के सासाराम में हुआ था, जो हिंदी सिनेमा के टॉप डिक और हैरी में उनके कामों के लिए जाने जाते हैं। छठ पूजा की तैयारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पदाधिकारी और कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। बीते दिन ही 4 दिवसीय छठ महापर्व ही उदयमान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करने के साथ समाप्त हो गया। इस दौरान राज्य के विभिन्न नदियों तालाबों के घाटों में आस्था का जनसैलाब उमर पड़ा था। कोरोना और लॉकडाउन की मुसीबतों से लंबे समय के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी, जिसके बाद आपदा विभाग सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने छठ पूजा के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी है। साथ ही इस बाबत उन्होंने सभी पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मानित करने की बात भी कही है। प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि डीएम, एसएसपी, दंडाधिकारी, नगर आयुक्त सहित सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी जो छठ पूजा की तैयारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते देखे गए हैं, उन्हें सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। चरण की मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू। छठ महापर्व के बाद अब बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों को फिर से नए सिरे से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में मतगणना 13 और 14 नवंबर को होनी है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। मतगणना संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी ईवीएम और बैलेट बॉक्स व्रजगृह में कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मतगणना के दौरान आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारियों और पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। बिहार में बेहतर होगी स्कूली शिक्षा। बिहार में स्कूली शिक्षा हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। हालांकि इन सब के बावजूद बिहार सरकार की यही कोशिश है कि बिहार में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया जाए। इसी कड़ी में अब बिहार के स्कूलों के लिए बिहार सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। यही कारण है कि बिहार में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नवाचार को बढ़ावा देने की योजना सराहनीय बताई गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का योग्य होना आवश्यक है। एक योग्य शिक्षक में प्रभावी नेतृत्व का गुण, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान और बेहतर संप्रेषण कौशल होना चाहिए। ऐसे शिक्षकों की तलाश के लिए राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षक संसाधन कोष का गठन किया जा रहा है। कोविड 19 के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो मुंगेर में 1 और पटना में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बेगूसराय में 1 अन्य मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,22,450 सैंपल की जांच की गई। वहीं 6 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार में 2 दिनों बाद हवा के रुख में परिवर्तन के आसार है। 48 घंटों के बाद राज्य में पूर्वी हवा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, जिससे हवा की गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं कोहरे का असर भी अब दिखने लगा है, जो कि अब आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखेगा। साथ ही मौसम के तापमान में भी उतार चढ़ाव बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 2 दिन बाद हवा के रुख में परिवर्तन के आसार है। उस दौरान राजधानी पटना में आज मैक्सिमम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही पटना में प्रदूषण का स्तर 325 पर पहुंच गया है।
बिहार में मखाना को मिलेगी ग्लोबल पहचान। बिहार में मखाने की खेती और मखाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और किसान काफी उत्साहित है। इन सब के बीच बिहार के मखाना को अब जल्द ही ग्लोबल पहचान दिए जाने की तैयारी हो रही है। खुशी की बात यह है कि इसको GI टैग मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्र सरकार के कंसल्टिंग समूह ने पटना में इसकी बैठक कर सारी बाधाएं दूर कर दी हैं। इसको लेकर आयोजित बैठक में आवेदक के दावे पर सत्यता की मुहर लग गई है। साथ ही इसकी विशेषताओं और उत्पाद के स्रोत से भी केंद्र के अधिकारी अवगत हो गए हैं। दिल्ली से आए कंसल्टेटिंग समूह के अधिकारियों ने GI टैग के लिए आवेदन करने वाले मिथिलांचल मखाना उत्पादक समूह को भी बुलाया था। आवेदक ने इसके उत्पादन के इतिहास की जानकारी देकर बताया है कि यह बिहार का ही उत्पाद है। 16 नवंबर को बिहार सरकार कर रही है एक और विशेष अभियान की तैयारी। बिहार में भले ही कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन बिहार सरकार की यही कोशिश है कि संभावित तीसरी लहर से पहले ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का काम कर लिया जाए, जिसको लेकर बिहार सरकार अब तक कई अभियान चला चुकी है। वहीं अब सरकार एक और खास अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत कोविड टीके से वंचित लोगों के लिए एक और टीकाकरण अभियान की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत अगला अभियान 16 नवंबर को प्रस्तावित है। विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मंत्री मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की सहमति के लिए भेजा है। इसकी सहमति की प्रतीक्षा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ था। जनवरी जून के बीच राज्य में 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो 16 नवंबर को प्रस्तावित विशेष अभियान में 20 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीतीश कुमार ने अबुल कलाम के योगदान से प्रेरणा लेने की कही बात। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की जयंती पर हमेशा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। कोविड-19 के दौर में ये कार्यक्रम सीमित कर दिया गया। वहीं बीते दिन आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने आने वाली पीढ़ी को कई संदेश दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मौलाना के कृतित्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग को प्रयासरत रहना चाहिए। उनकी स्मृति में शिक्षा दिवस आयोजित करने की पहल सबसे पहले बिहार में ही शुरू हुई थी। तब केंद्र को भी पत्र लिखकर पूरे देश में शिक्षा दिवस आयोजित करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने बताया है कि केंद्र ने हमारे पत्र की मंशा को स्वीकार किया था और साल 2008 से मौलाना की जयंती 11 नवंबर के दिन देश भर में शिक्षा दिवस मनाने की परिपाटी शुरू हुई थी। बिहार में अब नहीं होगी बिजली की किल्लत। बिहार वासियों को अब निर्बाध बिजली की सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि बिजली सप्लाई में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अब बिहार वासियों को NTPC बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन के 660 मेगावाट की तीसरी इकाई से वाणिज्यिक प्रचालन की उद्घोषणा के साथ ही इस प्लांट की तीसरी इकाई से विद्युत उत्पादन बीती रात्रि से शुरू कर दिया है, जो कि मध्य रात्रि से शुरू हुई है। बिजली प्लांट की किसी भी इकाई से वाणिज्यिकीय प्रचालन की उद्घोषणा करना और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा निर्धारित आवंटन के अनुरूप संबंधित विद्युत इकाई में विद्युत उत्पादित कर लाभार्थी राज्य को विद्युत की आपूर्ति शुरू करना है। ज्ञात हो इसके स्टेज 2 की 660 मेगावाट की दोनों इकाइयों से विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिससे बिहार की वर्तमान में तय आवंटन के हिसाब से 1198 मेगावाट से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। बिहार के गया जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गया में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये शहर बिहार के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। गया 3 तरफ से छोटी छोटी पहाड़ी मंगला गौरी श्रृंगा स्थान रामशिला और ब्रह्मयोनी से घिरा हुआ है, जिसके पश्चिम की तरफ फल्गु नदी बहती है। यहाँ के महाबोधि मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। गया के विष्णुपद मंदिर भी प्रमुख है। दंत कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के पांव के निशान पर ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ का पितृपक्ष का मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। इन्हें मिला मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021। बीते दिन भगवान भास्कर को अर्घ देकर छठ का समापन तो हुआ ही, वहीं बीते दिन बिहार के SN झा को मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञात हो बीते दिन शिक्षा दिवस के मौके पर आयोजित बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र पर और 2.5 लाख का चेक देकर सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी समेत विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने डॉक्टर शंकर नाथ झा की प्रशंसा की, साथ ही कहा कि 2007 से इस परंपरा की शुरुआत की गई है। 10वीं-12वीं के टर्म 1 परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया नोटिस। CBSE के टर्म 1 बोर्ड की परीक्षा इस बार नहीं आयोजित की जाएगी, जिसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट टर्म 2 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। स्टूडेंट्स CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं टर्म 1 बोर्ड परीक्षा 2022 ऑफलाइन मोड में ली जाएगी, लेकिन परीक्षा से पहले बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग ले रहे हैं, इसको लेकर CBSE को 25 नवंबर तक लिखित में जानकारी देनी होगी। CBSE के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्राप्त सभी अनुरोधों और दस्तावेजों की जांच करनी होगी, उसके बाद स्कूल को इस बात की पुष्टि करनी होगी।
गंगा के ऊपर शुरू हुआ गांधी सेतु के पूर्वी लेन का निर्माण। गांधी सेतु के पूर्वी लेन का निर्माण गंगा के ऊपर शुरू हो गया है, जिसके तहत गंगा किनारे स्थित पिलरों पर डेक स्लैब का निर्माण की गति भी पहले से बढ़ा दी गई है। कई जगह स्टील ट्रश को चढ़ाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि कई जगह तेजी से काम हो रहा है। कुछ जगह डेक स्लैब को ढाला जा चुका है। यदि इसी गति से निर्माण कार्य जारी रहा तो इसे जून 2022 की घोषित तारीख से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गांधी सेतु के 46 में से 6 पिलरों पर स्टील ट्रश इरेक्शन के बाद डेक स्लैब को ढालने का काम भी पूरा हो चुका है। इसमें पिलर संख्या 1-4 तक और 27-30 तक शामिल है। 13 पिलर पर स्टील इरेक्शन का काम पूरा हो गया है और सुपर स्ट्रक्चर का पूरा स्टील फ्रेम तैयार हो चुका है। बिहार में 3 दिनों में मिलेगा नया पेयजल कनेक्शन। बिहार में 3 दिनों में नया पेयजल कनेक्शन मिलने लगेगा। पेयजल आपूर्ति की सारी शहरी योजनाएं नगर विकास और आवास विभाग के अधीन आने के बाद जल आपूर्ति संयोजन से लेकर मरम्मत तक की समय सीमा तय कर दी गई है। विभाग ने नई व्यवस्था से जुड़ा संकल्प जारी कर दिया है। जल आपूर्ति योजना में साधारण लीकेज के लिए 12-24 घंटे, जबकि बड़े लीकेज के लिए अधिकतम 3-5 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत मोटर पंप में आई खराबी को दूर करने या साधारण मरम्मत के लिए 24 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। नए पेयजल कनेक्शन के लिए पाइपलाइन होने पर 3 दिन और पाइपलाइन बिछाए जाने की व्यवस्था होने पर 30 दिन में कार्य पूरा करने का समय दिया गया है। शहरी उपभोक्ताओं के पेयजल संबंधित समस्याओं के लिए केंद्रीयकृत निवारण प्रणाली बनाई गई है। बिहार में बॉर्डर पर बनेगा पर्यटक सेंटर। बिहार के पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि राज्य के सभी पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर लगातार काम चल रहा है। ऐसे में पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद के निर्देश पर अधिकारियों ने नॉर्थ बिहार के पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें वैशाली, केसरिया, बेतिया, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर के पर्यटन स्थल शामिल है, ताकि इन इलाकों के सभी पर्यटक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्लानिंग हो सके। विभाग ने तत्काल ये निर्णय लिया है कि सभी बॉर्डर इलाके में पर्यटन सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें निबंधित टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से पर्यटकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार का किया घेराव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन सरकार पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर घेराव करते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार बेरोजगारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से तेजस्वी ने सरकार पर हमला बोला है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 23 राज्यों की अपेक्षा बिहार में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। यहां तक कि देश के औसत में भी बिहार की बेरोजगारी दर ज्यादा है। 16 सालों में नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार देने में विफल रहे हैं। नीतीश कुमार और भाजपा सरकार युवाओं का पलायन भी रोक नहीं सकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आदर्श कला मंदिर की तरफ से छठ पूजा समिति ने कई तरह के कार्टून लगाए हैं। इनमें बीटेक पास युवाओं को पकौड़ा तलते दिखाया गया है। इसी को लेकर तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा है। कंगना पर भड़के मांझी। अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति में भी बेहद ही सक्रिय रही हैं। यही कारण है कि भले ही कंगना किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर अपने विचार मुखर रूप से रखती आई हैं, जिसके तहत ही हाल ही में कंगना ने 1947 के दौरान आजादी के भीख में मिलने की बात कही थी, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जिसके तहत ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना बयान दिया है और कंगना पर रोष प्रकट किया है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि कंगना से ये सम्मान वापस ले लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो दुनिया समझेगी कि गांधी, नेहरू, भगत सिंह, पटेल, कलाम, मुखर्जी, सावरकर सब के सब ने भीख मांगी तो आजादी मिली। ऐसी कंगना पर लानत है। दफ्तर में मनाई गई अबुल कलाम आजादी की 134वीं जयंती। बीते दिन राजद दफ्तर में अबुल कलाम आजाद की 134वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल सहित अन्य नेताओं ने देश के पहले शिक्षा मंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहेब कवि, लेखक, पत्रकार, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त और प्रख्यात शिक्षाविद थे। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष को प्रतिष्ठित किया है और देश की एकता और अखंडता की मिसाल है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। केरल के मंदिर 1936 में सभी हिंदुओं के लिए खुले, लंदन में 1930 में पहली बार गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसमें 56 भारतीय और 23 ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 1967 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2008 में महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को 2009 में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया। टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान ने आईपीएल को बताया अहम।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के बाहर होने के बाद हाल ही में आईपीएल के दूसरे फेज का सफल आयोजन बीसीसीआई ने करवाया था, जिसमें खेलने वाले खिलाड़ियों को कोसा जा रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के विचार इससे ठीक उलट है। इसको लेकर हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान केन विलियमसन ने कहा कि यूएई में हुए आईपीएल के दूसरे फेज के कारण उनकी टीम को यहां पर विकटो मैदानों को परखने में मदद मिली है। इस बाबत विलियमसन ने कहा कि आईपीएल जैसी लीग निश्चित रूप से क्रिकेटर्स को अपने खेल को और बेहतर करने में मदद करती है। नए बदलाव से करोड़ों यूजर होंगे प्रभावित। YouTube की दुनिया में अगर आप जुड़े होंगे तो आपको भी पता होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर व्यूज बढ़ने से जितना सुकून मिलता है उतना ही वीडियो को डिसलाइक करने वालों की संख्या को देखकर बुरा लगता है, जिसके बाद अब YouTube पर बीते दिन से आपको डिसलाइक की संख्या नहीं दिखेगी। ऐसे में किसी वीडियो को डिसलाइक करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि YouTube के इस फैसले का एक यह नुकसान होगा कि लोग किसी वीडियो पर अपनी अपनी नाराजगी भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो वास्तविक फीडबैक अब नहीं मिल पाएगा। YouTube ने गुरुवार को घोषणा की है कि काउंट टू डिसलाइक बटन पर अब दर्शकों को नहीं दिखेगा। खुदरा निवेशकों के लिए खुशखबरी। सिक्योरिटी मार्केटिंग में खुदरा निवेशकों की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी आज आरबीआई की दो योजनाओं की शुरुआत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों को रखरखाव भी कर सकते हैं। यह सेवा निःशुल्क होगी। पीएमओ ने कहा है कि इस योजना की केंद्रीय विषय वस्तु एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा पर आधारित है। इसके लिए एक बहुभाषी टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा जो शिकायतों का समाधान करने और शिकायतों को दायर करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,150 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,480 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मेहरा, बबिता यादव, राम विनय गिरी, संतोष कुमार दास, कुंदन कुमार सिंह, चौरसिया चैनल, गजेंद्र सिंह, राजेश्वर दयाल, पंकज कुमार, कृष्ण मुरारी यादव, राम बाबू कुमार, मदन गोपाल सिन्हा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रोहित शर्मा क्या विराट कोहली से बेहतर कप्तान साबित हो पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।